विश्वविद्यालय एनपीयू जो है हमेशा विवादों में घिरा रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही कैपिटल न्यूज ने आपको अवगत कराया था कि कुमारेश इंटर बीएड कॉलेज जो है वहाँ पर एक मामला हुआ था। वहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए छात्रों से पैसा मांगे गए थे और छात्र अगर पैसा वहाँ से नहीं दिए उसके बाद छात्रों के साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो बदसलूकी की गई, यहाँ तक कि उनके मार्क्स भी काट लिए गए। और इस मामले को कैपिटल ने जो बहुत ही प्रमुखता से उठाया था और उसके बाद अब विश्वविद्यालय उस पर संज्ञान लिया है और कमेटी बनाई गई है, छात्रों का फिर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ये जो परेशानी छात्रों को झेलनी पड़ती है वो आए दिन देखने को मिलती है और ये हर बार एनपीयू के अंदर ही होता है। नया मामला जो है वो ज्योति प्रकाश महिला बीएड कॉलेज से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में ये जो छात्राएं हैं वो ज्योति प्रकाश महिला बीएड कॉलेज की छात्राएं हैं। हम सबसे पहले इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और फिर यहाँ जो छात्र नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब ज्योति प्रकाश बीएड कॉलेज जो कि एनपीयू का ही एक अंग है वहाँ किस तरीके की धांधली चल रही है। क्या आप लोगों की समस्या है यूनिवर्सिटी आए हुए हैं? हम यूनिवर्सिटी इसलिए आए हैं कि हम लोग का मार्क्स कम कर दिया गया है और प्रैक्टिकल में, और इसके मतलब हम लोग प्रिंसिपल से बात भी कर चुकी हूँ तो प्रिंसिपल ने बोला कि तुम लोग को जहाँ जाना है जा कर के करवा लो अपना काम कि हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर इस पर बात भी की हम लोग कि इस मैम हम लोग का इतना कम मार्क्स क्यों मिला हुआ है। तो कभी बोलती हैं कि अटेंडेंस कम की हो तो अटेंडेंस के बारे में बोलते हैं कि फिर भी मैम हम तो अच्छा खासा अटेंडेंस मतलब बनवाए हैं, मतलब आ भी हैं रेगुलर क्लास के लिए, और जो लड़की नहीं आई है उससे भी ज़्यादा मेरा मार्क्स है। तो बोलती हैं कि इस पर मार्क्स के ज़रूरी नहीं है, इस पर पढ़ाई की ज़रूरी है। तो हम बोला कि ठीक है मैम, हम लोग तो मतलब इंटरनल जो एग्ज़ाम ले रहे थे उसमें भी हम लोग मतलब ये कि एग्ज़ाम दिए थे, तो इसके बाद मतलब प्रैक्टिकल के पैसा के मांग की थी 3000 रुपया। तो बोले कि मैम 2000 लेकर के हम लोग का ये कर दीजिए। तो बोली कि से इसके बाद मतलब कुछ भी नहीं बोली। तो हम लोग बोले कि ले लीजिए मैम, तो मैम नहीं बोली। इसके बाद में कहीं कि जो करना है तुम लोग करो, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे। तो हम लोग बोले कि जब शुरू फर्स्ट में आप कहें कि पैसा मतलब लेने के लिए तो फिर बाद में क्यों नहीं ले रही हैं? तो बोले कि नहीं लेना है किसी से पैसा। तो हम लोग पैसा नहीं दिए, इसके वजह से हम लोग का मतलब मार्कशीट में कम नंबर मिला है। तो ये छात्राएं जो हैं वो ज्योति प्रकाश महिला बीएड कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। और भी लोग हैं, हम जानेंगे कि क्या क्या मामला क्या है। हमारा एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत कम आया है, 42, 50 और 60% लेके हम अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं। हमने 3000 रुपीज़ नहीं दिया था प्रैक्टिकल के लिए और जिसका सूचना हमें मिला भी नहीं था, और उसकी वजह से हमें फ़ेल कर देने की धमकी दी गई थी और हमें फ़ेल भी कर दिया गया। तो यही है हमारा प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। पैसा मांगा गया था हमारे प्रिंसिपल के द्वारा पैसा मांगा गया था और वो पैसा हम नहीं दे पाए क्योंकि कोविड का भी सीन चल रहा था और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे की भी प्रॉब्लम चल रही थी। हमने हमारे प्रॉब्लम भी रखी थी लेकिन उन्होंने बोला कि जो लोग बाहर से आते हैं अगर हम उनका आवभगत नहीं करेंगे तो तुम्हें मार्क्स कहाँ से मिलेगा। तो उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर आए हुए कि हमारे मार्क्स को बढ़ाया जाए। ये कितनी छात्राएं हैं जो इस तरीके से पीड़ित हैं जिनका मार्क्स कम किया गया? स्कूल के सारी छात्राएं, कॉलेज की 45 जितनी भी छात्राएं हैं सारे लोग हैं। तो सुना आपने, ये एक बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, प्रायः यह देखा जाता है और विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में भी दिया जाता है तब विश्वविद्यालय का जो प्रबंधन है प्रशासन है वो हरकत में आता है। लेकिन आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? ये छात्राएं जो आरोप लगा रही हैं सीधे तौर पर बीएड कॉलेज के प्रचार से कि इनसे 3000 रुपया प्रैक्टिकल के लिए मांगा गया था और जब छात्रों ने देने से मना किया या कोई छात्र कम देने की कोशिश की, कोविड का भी दौर चल रहा था जो छात्राएं बता रही हैं, तो आखिर ये छात्र जो पढ़ने जाते हैं उसके लिए उन्हें वो छात्र पैसे भी देते हैं लेकिन अलग से वे परीक्षा के नाम पर प्रैक्टिकल के नाम पर ये जो उगाही चल रही है बीएड कॉलेज का खेल चल रहा है इसका खुलासा आखिर कौन करेगा? नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय आखिर कब अपनी आँख खोलेगी? कोई समस्या हो या फिर छात्र हितों की बात हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बराबर से ही मुखर होकर सामने आता रहा है। पहले से भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, सदस्यों ने छात्र हितों की समस्याओं को लेकर प्रमुखता से उठाया है और उसे उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में पहुंचे इन छात्राओं की शिकायत जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली तो वो भी विश्वविद्यालय पहुंचे और पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। अब विद्यार्थी परिषद भी इस मामले को अपने स्तर से देख रही है। विनीत जी हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी परिषद का इसमें क्या रोल होगा और क्या आप लोगों को जानकारी मिली है? हम लोगों को छात्राओं के द्वारा जानकारी मिली
कि ज्योति प्रकाश बीएड कॉलेज में वहाँ के कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जो है इन लोगों से 3,000 रुपये प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर मांगा गया। कोरोना जैसी भयावह महामारी में हम सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत लोगों का जो है रोजी रोजगार चला गया है। ऐसी स्थिति में भी अगर कॉलेज प्रबंधन के द्वारा पैसे उगाही की बात आ रही है तो यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी देश की बेटियाँ आज जो है तिरंगा जो है जाकर के ये फतह कर रही है हर जगह से, है ना, अपना नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन अभी अभी जो वर्तमान जो हम दृश्य देख रहे हैं पलामू में, यहाँ जो भी प्राइवेट संस्थान है वो यहाँ के छात्राओं के साथ शोषण कर रहा है। पूर्व में भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया था और अभी वर्तमान में भी बीएड कॉलेज जो कि ज्योति प्रकाश बीएड कॉलेज का मामला हम लोगों को आया है, हम लोगों ने मिलकर के कुलपति महोदय से इसके विरुद्ध में जांच करके और दोषी पाए जाने पर कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कहा गया विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि आप सभी जो है आराम से जाएं और हम लोग जांच करेंगे। जांच कमेटी के द्वारा जांच करने के बाद त्रुटि पाई जाने के बाद जो है कार्रवाई कॉलेज प्रबंधन पर होगी। तो विद्यार्थी परिषद अब इस मामले को देख रही है, क्या लगता है आपको देव जी? देखिए आए दिन इस तरीके की शिकायत सामने आ रही हैं, आखिर विश्वविद्यालय का मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा इस तरीके से कि बीएड कॉलेज पर लगाम लगे, क्या कहना चाहेंगे? ये इस विषय को लेकर के विद्यार्थी परिषद पिछले 2 साल से ऐसा शिकायत की है और ऐसे बहुत सारे शिक्षक जो पूर्व में भी इस तरह का कार्य करते थे उनको डिबार करने का कार्य किया है। इस बार भी विद्यार्थी परिषद ने वैसे शिक्षक जो कुमारेस का विषय आया हो या ज्योति प्रकाश के, वैसे शिक्षक जो एक्सटर्नल बनकर के यहाँ से गए थे उनको भी 4 साल के लिए डिबार करने के लिए कि वो आने वाले समय में कभी किसी का एक्सटर्नल न ले। और ऐसे जो छात्राओं के ऊपर आज छात्राओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है मगर एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय के द्वारा इस तरीके का छात्राओं के ऊपर शोषण किया जा रहा है या सरासर इनके साथ अन्याय है। और मात्र सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं देने के कारण उनका प्रैक्टिकल में नंबर काट लेना, ये छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है और एक ये दंडात्मक विषय है। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति महोदय को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस पर अविलंब जांच किया जाए और जांच कमेटी बैठा करके महाविद्यालय प्रशासन के एफिलेशन के विषय पर भी चर्चा किया जाए कि इस तरीके के जो महाविद्यालय हैं जो विद्यार्थियों के साथ छल करते हैं उनके एफिलेशन के बारे में विचार किया जाए कि आगे से यह ऐसा कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। विद्यार्थी परिषद ने बड़ी बात कही है कि जो बीएड कॉलेज मनमानी कर रहे हैं, छात्रों का शोषण लगातार कर रहे हैं, ऐसे कॉलेजों को विश्वविद्यालय जो है संबद्धता देती है तो उस पर भी विश्वविद्यालय को निश्चित तौर पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि कुलपति महोदय ने छात्रों को और परिषद के नेताओं को आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन यह देखना भी दिलचस्प होगा कि ज्योति प्रकाश महिला बीएड कॉलेज के मामले में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय प्रबंधन का रुख क्या होता है।